धवलपुर नामक गांव में चंदन नाम का एक लकड़हारा अपने 8 साल के बेटे के साथ रहा करता था। चंदन बहुत ही गरीब था। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम होने पर उन लकड़ियों को गांव के बाजार में जाकर बेच जाता। एक बार की बात है, चंदन लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहा होता है कि तभी उसका बेटा चिंटू चंदन से बोलता है, पिताजी, गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे भी उनके साथ स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है, आप मेरा दाखिला भी स्कूल में करा दीजिए ना। बेटा, मैं तो कब से तेरा दाखिला स्कूल में कराना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, लकड़ियाँ बेचकर भी मैं इतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पाता हूँ कि तुझे स्कूल भेज सकूँ। तो ठीक है, जब तक आप मेरा दाखिला स्कूल में नहीं करा देते, तब तक मैं आपके साथ जंगल जाकर लकड़ियां काटने में आपकी मदद करूंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ जंगल में नहीं ले जा सकता। अगर किसी जंगली जानवर ने तुझ पर हमला कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा? और वैसे भी तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? चिंटू अपने पिताजी की बात नहीं सुनता और उनके साथ जंगल में जाने की जिद करने लगता है। ठीक है बाबा, ठीक है, तू भी मेरे साथ जंगल चल, पर जंगल में जरा होशियार रहना, ठीक है? ऐसे बोलकर चंदन अपने बेटे चिंटू को जंगल में अपने साथ ले चलता है और वहां जाकर चंदन लकड़ियां काटने लगता है। चिंटू लकड़ियां इकट्ठा करने में अपने पिताजी की मदद करता है। इस तरह से चिंटू भी रोज अपने पिताजी के साथ जंगल जाया करता और लकड़ियां काटने में उनकी मदद कराया करता। एक दिन जब चंदन जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है तो वो अपने बेटे चिंटू से बोलता है, बेटा चिंटू, आज बहुत धूप है, ऐसा करो तुम उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ, मैं भी जल्दी से लकड़ियां काट लेता हूँ। चिंटू सामने वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और एक लकड़ी के टुकड़े से मिट्टी में गड्ढा खोदने लगता है। तभी उस गड्ढे में से एक सोने का सिक्का मिलता है जिसे वो अपने पिताजी को दिखाता है। फिर चंदन उसी गड्ढे को और गहरा करने लगता है तो उसे उसमें से कुछ और सोने के सिक्के मिलते हैं। अरे वाह पिताजी, हमारे तो मजे आ गए, देखो तो ये सोने के सिक्के कैसे चमचमा रहे हैं। फिर चंदन और चिंटू सिक्के लेकर घर आ जाते हैं और उन सिक्कों को बेचकर वो भी अमीर हो जाते हैं। पिताजी, अब तो हम बहुत पैसे वाले हो गए हैं, अब तो आपको जंगल जाकर लकड़ियां काटने की भी जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं लकड़ियां काटना नहीं छोड़ सकता। ऐसे बोलकर चंदन और चिंटू दोनों लकड़ियां काटने जंगल जाते हैं। तभी चंदन का बड़ा भाई मोहन और उसकी पत्नी नेहा चंदन के घर आते हैं और चंदन के घर को देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजी, ये चंदन रातों रात इतना पैसे वाला कैसे हो गया? एक दिन था इसके घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे और आज देखो तो जरा, इसके घर की तो रूपरेखा ही बदल गई। अरे जरा जाकर पूछो तो सही उससे कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। अरे भाग्यवान, ऐसे बोल रही हो जैसे मैं उससे पूछूंगा और वो सब मुझे बता देगा, हैं? अरे छोटा भाई है आपका, अगर ना बताए तो दो रखना उसके कान के नीचे, फिर देखना कैसे कुछ नहीं बकता वो। अरे हमें भी तो पता चले कि उसके पास एकदम से इतना सारा पैसा आया तो आया कहाँ से। फिर मोहन भी जंगल के अंदर जाता है और देखता है कि चंदन लकड़ियां काट रहा है। अरे चंदन, तू यहाँ? मैं कब से तुझे ही ढूंढ रहा था। अरे चंदन, एक बात तो बता, तेरे पास आखिर इतने पैसे कहाँ से आए जो तू इतना अमीर बन गया है, हुँ? मगर चंदन मोहन को सोने के सिक्के वाली बात नहीं बताता और लकड़ियाँ काटने लगता है। मोहन गुस्से में आकर चंदन से उसकी कुल्हाड़ी छीन लेता है। तो तू ऐसे नहीं बताएगा, रुक, अभी मैं तुझे तेरी ही कुल्हाड़ी से काट देता हूँ, या तो तू मुझे बता कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, नहीं तो मैं तुझे और तेरे बेटे को काट कर इसी पेड़ पर लटका दूंगा। चंदन के कुछ ना बताने पर मोहन गुस्से में आकर चंदन और चिंटू को कुल्हाड़ी से मारकर उन दोनों को पेड़ से लटका देता है और वहाँ से भाग जाता है। मरने के बाद चंदन और चिंटू दोनों एक डरावने भूत बन जाते हैं और उसी पेड़ पर रहने लगते हैं।
एक दिन पिंटू नाम का एक आदमी उसी जंगल से निकलकर जा रहा होता है कि तभी उसे पेड़ के ऊपर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज। पिंटू जैसे ही उस पेड़ के ऊपर देखता है तो उसे पेड़ पर झूलता हुआ एक डरावना बच्चा दिखाई देता है। वो जैसे ही अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है कि तभी एक डरावना भूत उसका गला पकड़ लेता है और उसे मारकर खा जाता है। आए दिन जंगल में इस तरह से लोगों के मरने से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। अरे सरपंच जी कछु करिए, नहीं तो वो भूत एक दिन हम सभी को मार डालेगा। हाँ सच में उस पेड़ पर रहने वाले भूत और उसके बच्चे ने तो हम गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। क्या किया जाए कि वो भूत और उसका बच्चा इस जंगल से चले जाए। ऐसा बोलकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और सभी गांव वाले अब उस जंगल के रास्ते से आना जाना बंद कर देते हैं। एक रात जंगल में पेड़ के ऊपर चंदन भूत अपने बेटे चिंटू से बोलता है, इन सभी गांव वालों को क्या हो गया है? कई दिनों से एक भी गांव वाला इस जंगल के रास्ते से नहीं गुजरा है। हाँ पिताजी, आप सही बोल रहे हो। पिताजी मुझे तो बहुत भूख लगने लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। अरे अगर ये गांव वाले इस जंगल के रास्ते से नहीं निकलते तो क्या हुआ? तो क्यों ना हम दोनों ही गांव चलें? हाँ पिताजी, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर वो दोनों हवा में उड़ते हुए गांव की तरफ जाते हैं। गांव में कुछ लोग खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर भूत और उसके बच्चे पर पड़ती है। अरे मर गए रे मर गए, ये पेड़ पर रहने वाला भूत और उसका बच्चा तो हवा में उड़ते हुए हमारे गांव की तरफ ही आ रहे हैं। अरे सभी को अपनी जान प्यारी है तो जल्दी भागो यहाँ से। फिर सभी गांव वाले भूत से डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? फिर भूत गगन को पकड़ लेता है और फिर भूत और उसका बेटा गगन को मारकर खा जाते हैं और वापस जंगल में जाकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। भूत के जाते ही सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सरपंच जी से बोलते हैं, सरपंच जी कछु कीजिए। अरे अब तो ये कम वक्त भूत और उसका बेटा हमारे गांव में भी घुस आए हैं। जरा देखो तो बेचारे गगन का हाल कर दिया है उस भूत ने। इस भूत और उसके बच्चे को उस पेड़ से भगाना हम आम आदमियों के बस की बात नहीं है। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, अब तो वही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर सरपंच जी तांत्रिक बाबा को बुलवाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर सरपंच जी गांव के कुछ लोगों को और तांत्रिक बाबा को जंगल के अंदर ले जाते हैं। यही है वो पेड़ जिस पर भूत और उसका बच्चा रहता है। तांत्रिक बाबा मंत्रों की ताकत से भूत और उसके बच्चे को बुलाता है। अच्छा वो ही है वो भूत जिसने गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। फिर तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और अपने झोले से भभूत निकालकर भूत पर फेंकते हैं। अरे ओ तांत्रिक, ये क्या कर रहा है तू? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो तू यहाँ मरने के लिए चला आया है। सीधे तरीके से इस पेड़ को छोड़कर यहाँ से दूर कहीं और चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, नहीं तो मैं तुझे इस भभूत से अभी के अभी भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, हमें भस्म मत करना, हम इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मगर क्यों नहीं जा सकते? ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इस पेड़ को नहीं छोड़ सकते? फिर भूत तांत्रिक बाबा को सारी बात बताता है। तो तुम वो लकड़हारी चंदन और चिंटू हो? हे भगवान, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम दोनों को मारकर इसी पेड़ से लटका दिया था। ये तो बहुत ही बुरा किया उसने तुम दोनों के साथ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस मोहन को फांसी की सजा जरूर दिलाऊंगा। फिर उसी दिन सरपंच जी मोहन को उसके घर से पकड़ कर ले आते हैं
और मोहन को अपने भाई और उसके बेटे को मारने के जुर्म में फांसी दे देते हैं। भूत भी अपने किए वादे के अनुसार उस पेड़ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने बेटे के साथ कहीं दूर चला जाता है।